सवाल। ये पीएनबी के शेयर लिए थे मैंने 2018 में 500 शेयर जो 158 रुपए पे थे, फिर 2020 में मैंने 1000 शेयर लिए थे 44 रुपए के हिसाब से, तो एवरेजिंग करके 82 रुपए के करीब पड़े थे मुझे। नीचे है अभी, अभी करंट रेट इसका 76 के आसपास है सर, तो बने रहना चाहिए कि अभी इसमें निकल जाना चाहिए? सरवन जी क्या किया जाए, पंजाब नेशनल बैंक अभी इनके भाव से 10-12 रुपए नीचे है, नहीं 10-12 रुपए नहीं, 77 अभी चल रहा है, 82 इनका 83 है शेयर पर करीब, क्या करें? देखिए जितनी इनकी बात सुन के समझ में आ रहा है कि भाई लंबी अवधि वाले हैं, अगर एवरेज भी किया है और लंबी अवधि खड़े रहने का इनका ध्यान है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से फिलहाल ट्रेड में बने रहना चाहे तो बने रहे, स्टॉप लॉस चाहे तो मैं इनको डेफिनेटली दे सकता हूँ। फिलहाल जो मुझे इमीडिएट लेवल दिख रहे हैं जहाँ से इसमें भी इस बार मूवमेंट आया है, वो लेवल है तकरीबन 67 के आसपास का जो उसका लो है, आई थिंक वही पोलिटिकल हो जाता है, जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है आई थिंक डेफिनेटली ऊपर के लेवल्स चैलेंज करेगा, 92-95 के भी लेवल्स यहाँ पे आएंगे, 6 से 9 महीने लगेंगे, बट आई थिंक मेरे 95 तक के टारगेट्स इसमें मुझे दिख रहे हैं, आ सकते हैं, और नीचे में अगर आपने 67 का स्टॉप लॉस लगाना है तो क्लोजिंग बेसिस पे लगा लें, बने रहिए इसमें। सर सरवन जी की राय है कि बने रहिए, और वैसे भी बैंक तो चल ही रहे हैं इस समय, बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, ट्रिपल बैलेंस शीट अच्छी है, बैंकों की भी, कॉरपोरेट की भी, गवर्नमेंट की भी, और इंडिविजुअल की भी मान लीजिए तो काफ़ी बेटर है इस समय, तो बैंक बने रहिए सर, सरकारी बैंक चल भी रहे हैं अच्छे।